जब असदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था तो वह बहरा होकर कमेंट करे थे। क्या क्या समस्या है वो कि हम चुप बैठेंगे? जब बतकम्मा के ऊपर जब उसने कमेंट किया था, क्यों कमेंट किया उसने? आज इतने भड़क रहे हैं हम असदुद्दीन के ऊपर कमेंट करे, लेकिन वो हमारे रामचंद्र के ऊपर कमेंट करे, वो याद नहीं है जो भाइयों दोनों मिलकर कमेंट करे? अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। हम इस्लाम पे कमेंट नहीं कर रहे, हम असदुद्दीन के बारे में कमेंट कर रहे हैं हम लोग। मैडम, ये बोकस वोट में जो आपने बात किया था, बोकस वोट के ऊपर तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, बस इलेक्शन के चुनाव से ठीक पहले आके इस तरह से एलिगेशन तो बोल रहे हैं। अरे आज टाइप करो साहब, आप लोग डालो एपिक नंबर, देखो अगर नहीं आ रहा तो। कितने वोट है? 1,60,000 सिर्फ एपिक नंबर से निकलेंगे आपको। क्यों नहीं निकाल रही है जीएचएमसी? अच्छा, इलेक्शन कमीशन किससे काम करेगा? फिर जाकर इन्हीं जीएचएमसी वालों से काम करना है ना। तो आप कह रहे, आप खुद कह रहे कि इलेक्शन कमीशन नहीं कह रही है क्या जीएचएमसी से? कौन काम नहीं कर रहा इधर? जीएचएमसी काम नहीं कर रहा इधर? अब इलेक्शन कमीशन को यह तय करना है जीएचएमसी क्यों काम नहीं कर रहा है। वो तो बोल रहे कि जब असदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था तो वह बहरा होकर कमेंट करे थे। क्या क्या समस्या है वो कि हम चुप बैठेंगे? जब बतकम्मा के ऊपर जब उसने कमेंट किया था, क्यों कमेंट किया उसने? आज इतने भड़क रहे हैं हम असदुद्दीन के ऊपर कमेंट करे, लेकिन वो हमारे रामचंद्र के ऊपर कमेंट करे, वो याद नहीं है जो भाइयों दोनों मिलकर कमेंट करे? अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। हम इस्लाम पे कमेंट नहीं कर रहे, हम असदुद्दीन के बारे में कमेंट कर रहे हैं हम लोग। मैडम, ये बोकस वोट में जो आपने बात किया था, बोकस वोट के ऊपर तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, बस इलेक्शन के चुनाव से ठीक पहले आके इस तरह से एलिगेशन तो बोल रहे हैं। अरे आज टाइप करो साहब, आप लोग डालो एपिक नंबर, देखो अगर नहीं आ रहा तो। कितने वोट है? 1,60,000 सिर्फ एपिक नंबर से निकलेंगे आपको। क्यों नहीं निकाल रही है जीएचएमसी? अच्छा, इलेक्शन कमीशन किससे काम करेगा? फिर जाकर इन्हीं जीएचएमसी वालों से काम करना है ना। तो आप कह रहे, आप खुद कह रहे कि इलेक्शन कमीशन नहीं कह रही है क्या जीएचएमसी से? कौन काम नहीं कर रहा इधर? जीएचएमसी काम नहीं कर रहा इधर? अब इलेक्शन कमीशन को यह तय करना है जीएचएमसी क्यों काम नहीं कर रहा है। वो तो बोल रहे कि